अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हलवा पूरी बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान, तो रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लेंगे और सबसे पहले हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, और इसमें 4 से 5 दाने ऐड कर देंगे इलायची के। इलायची को आगे से खोलकर फिर ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। जैसे ही इलायची कड़कड़ाने लगेगी तो हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। और क्या क्वांटिटी है सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बस आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। मेरे चैनल मुल्तानी तड़का पर अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी यहाँ पर ली है मैंने 1/4 कप के बराबर, और जो भी आप कप रखेंगे उसकी मेजरमेंट सेम ही रखिएगा। यहाँ पर सूजी को हमने भूनना है। बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। अच्छी से खुशबू जब आने लग जाएगी तब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो देखिए भुनाई हो रही है, बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आया है तो इसमें मैंने कटे हुए बादाम ऐड कर दिए हैं, इनको भी साथ ही रोस्ट कर लेंगे। आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने और भुनाई करनी है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 3 कप के बराबर। तो जिस कप से मैंने मैयर किया था सूजी को, उसी से मैंने पानी को मैयर करके फिर डाला है। तो 3 कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 1/4 कप मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, उसी से सारी मैयरमेंट की है, और उसी से मैयर करके मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। तो 1/4 कप ही चीनी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब इसके मिक्सिंग कर लेंगे। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वहाँ से आप वो वाली रेसिपी देखकर फिर इसी तरह से हलवा रेडी कर सकते हैं। तो देखिए हलवे को मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छे से ये ड्राई हो जाए और सूजी भी फूल जाए। तो 2 मिनट तक ही मैंने इसको कवर किया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से जो हलवा है वो निखरा सा रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद हमने अगला प्रोसेस करना है। तो अब पूरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैदा ले लेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर। आपने सूजी भी छानकर यूज़ करनी है, मैदा भी छानकर ही यूज़ करना है। आजकल बरसात का मौसम है तो इनमें कीड़ा लग सकता है। साथ इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक लिया है यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है तेल। तेल लिया है यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। आप पर डिपेंड करता है, चाहे तो घी ऐड कर लीजिए चाहे तो तेल। तो मैंने तेल ही ऐड किया है, जो कुकिंग ऑयल होता है वही। अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है। मिक्स करने के दौरान ही हमने इसमें डाल देना है पानी। यहाँ पर जो पानी है वो नीम गर्म होना चाहिए, आपने ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। इसी से जो डो है बहुत सॉफ्ट बनेगी और जो हमारी पूरियां हैं वो भी काफ़ी खस्ता बनेंगी। तो इसके ऊपर पानी लगा दिया है मैंने और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हैं हलवा बनाने से पहले, या फिर बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आटा सेट हो चुका है, अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। तो बहुत ही छोटे साइज़ के पेड़े बनाएंगे, तो कटिंग कर लेते हैं नाइफ़ की मदद से ताकि आसानी रहे। इनकी कटिंग करने के बाद साथ ही हमने इनके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाकर हम इसकी बहुत ही अमेजिंग सी शेप देंगे, जिसे देखकर सभी हैरान होंगे कि आपने बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता सी हलवा पूरी बनाई है। तो ये रेसिपी आप नाश्ते में बना सकते हैं। आजकल जिस तरह से बारिश का मौसम है उसमें बनाइए। इसके अलावा बच्चों को आप लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं। पहले ही हलवा बना लीजिए रात में बेशक, और इसके अलावा आटा गूंदकर भी आप रात में रख सकती हैं। तो फटाफट से बनने वाली रेसिपी है और यकीन मानिए सबको पसंद आने वाली। तो डस्ट कर लिया है मैंने थोड़ा सा मैदा, और साथ ही इसको बेल लेते हैं। छोटी छोटी सी हमने रोटी बेलनी है, ज़्यादा पतली नहीं करेंगे इसको, और उसके बाद हम इसमें फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक मैंने पहले ही बना ली है। अब यहाँ पर देखिए इसको हाफ मून की शेप दीजिएगा, यानी कि आधा कर लेंगे। हल्का सा आपने हाथ फेरना है ताकि हाफ शेप इसकी आ जाए। इसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे हलवे की। हलवा ठंडा होना चाहिए क्योंकि मैदा है बिल्कुल ताज़ा गूंदा हुआ है, वरना फिर ये अगर आप गरम गरम ऐड करेंगे तो फिर मैदा नरम हो सकता है।
तो मैंने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर इसमें हलवा ऐड कर दिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जहाँ हमने हलवा रखा है उसके बिल्कुल साइड पर हमने लगाना है पानी। अच्छी तरह से पानी लगाएंगे क्योंकि हमने इसको बाइंड करना है और इसके बाद इसे फ्राई भी करना है, तो बाइंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पानी लगाने के बाद हमने इसको करना है फोल्ड, और फोल्डिंग का प्रोसेस आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए, इसको उठाकर हाफ मून जो हमने बनाया था अच्छी तरह से दोबारा हमने इसकी शेप दे दी है, कवर कर लेंगे। और इसके बाद जहाँ हमने पानी लगाया था हलवे के साथ साथ, उस हिस्से को हमने उंगली की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि हलवा जब हम फ्राई करें तो बाहर ना आए। इस टाइम पर जितनी अच्छी आप बाइंडिंग कर लेंगे उतने अच्छे ये देखने में भी स्नैक्स लगते हैं, और जब फ्राई होंगे बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये फिंगर हमने एक साइड पर रखी और दूसरी फिंगर की मदद से इसको हल्का हल्का अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस फिंगर इस तरह से रखते जाइएगा और दूसरी हाथ की मदद से आपने इसको इस तरह से की तरफ करते जाना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन बनता है, कुछ न्यू सा बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से हमने इनको रखते जाना है, सेपरेट कर कर के रखिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। तो मैंने सारे ही रेडी कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख लीजिएगा, जिस तरह से पूरी को डीप फ्राई किया जाता है सेम उसी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है, वन बाय वन इनको ऐड करते हैं और फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पर ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, जितना ऑयल गर्म होगा उतनी ये खस्ता बनेंगी और बहुत अच्छे से फूलेंगी। जिस तरह से पूरियों का ऑयल गर्म होता है सेम उसी तरह से हमने करना है। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ये ऊपर से फूले और इंतहाई खस्ता बने। आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनाई है। तो देखिए अच्छे से फूलना स्टार्ट हो गई है। अब इसको टर्न करते हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर देंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल मुल्तानी तड़का को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह से बहुत सी अमेजिंग सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। आमतौर से जो समोसे बनाए जाते हैं उसका साइज़ छोटा होता है, ये 2 समोसे के बराबर एक पूरी बनी है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्रिस्पी सी, मज़ेदार सी, बिल्कुल न्यू सी रेसिपी है, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। तो रेसिपी को फॉलो करके फिर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल मुल्तानी तड़का को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।